हेलो प्यारे स्टूडेंट्स आज के एक नए टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन के साथ मैं हूं डॉक्टर बुरहान खान आपकी खिदमत में हाजिर हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आ, इसका मैंने एक स्कीम आ, आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये जो स्कीम है इसके मुताबिक मैं पढ़ाऊंगा इसको स्कीम कुछ ऐसा मैंने इसको बनाया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहले मैं बात करूंगा हिस्ट्री पर कि हाइब्रिडाइजेशन की आखिर क्यों जरूरत पेश आई केमिस्ट्री वालों को फिर उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूंगा फिर एक सवाल पूछूंगा डिफिनेशन के अंदर अपने आप से कैसे आखिर एटम एटम पर ऐसा ओरिजिनली होता क्या है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं फिर एक और खतरनाक क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे कि क्यों होती है सही है फिर उसके बाद विन विन पर आएंगे यानी हाउ देन विन हाइब्रिडाइजेशन कब होगी कब नहीं होगी इस पर हम बात करेंगे और आखिर में हम बात करेंगे इसके टाइप्स पर विद एग्जाम्पल्स आ, यहां तक तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि एस पी थ्री एस पी टू और एसपी क्योंकि कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को कुछ ना कुछ पढ़ा होता है स्टूडेंट्स ने लेकिन ये वाले जो इसके टाइप्स हैं इस बात करेंगे यानी एस पी थ्री एस पी टू और एस पी के अलावा और भी टाइप्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के जो आप लोगों के सामने है इन पर भी हम बात करेंगे सीधा आते हैं और इसकी हिस्ट्री यानी हिस्ट्री पर बात इसलिए करते हैं कि हमें पता तो चले कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर कहां से आई और क्यों आई सही है इस पर इसकी जरूरत क्यों पेश आई तो आपको पता है कि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन दरअसल क्या है ये एक थ्योरी है तो बिफोर द थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या द ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी वर एक्सप्लेनिंग केमिकल बॉन्ड्स गोवेल बॉन्ड्स की बात करें वेल एंड बास को हम कैसे एक्सप्लेन करते थे कि बाड कैसे बनता है क्यों बनता है कोवेल एंड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ वी बी टी वेलेंस बॉन्ड त्यूरी यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट करना होगा हमारे पास क्या था हाइबराइजेशन के आने से पहले यह त्यूरी थी जो हमें बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता था वेलेंस बाड त्यूरी अकॉर्डिंग टू वीबीटी According to VBT, an atom can form covalent bonds only by using its valence shell half filled. ये कह रहा है कि कोई एटम उतनी ही बना सकता है जितने उसके वैलेंस शेल में हाफ फिल्ड ठीक है? बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है केमिकल को, लेकिन मसाइल हैं इस थ्योरी के साथ सही है एग्जांपल्स ले लें एक दो तीन एग्जांपल्स ले लें तो इससे ये होगा कि वेलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हमारा रिपीट हो जाएगी एग्जांपल्स और दूसरा ये इसके अंदर जो, जो इश्यूज हैं जिसके लिए हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा वो भी क्लियर हो जाएगी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है दो और ये इसका 2p है और p के अंदर क्यों बना रहा हूं क्योंकि p के अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते इलेक्ट्रॉन है चार तो इलेक्ट्रॉन को आपने u रखना होगा सही है तीन पे ले गए फिर उसके बाद चौथा इधर आएगा अब इसको आप ये इस तरह बना ले तो ये आपका टू एस है। इसका ये कौन सा है टू ए से और ये टू पी है अब ये इसमें एक एक्स है पी, एक तो पी वाई है और तो तीसरा क्या है पी जेड है किसी तरह भी आप बना सके इसमें कोई वो नहीं है इसको आप एक्स इसको वाई और इस दूसरे वाले को तीसरे वाले को जेड कह सकते क्योंकि ये चीज चेंज होती रहती है तो जस्ट मार्क करने के लिए है ये अच्छा ये तो मैंने बना ली अब इसके साथ हाइड्रोजन ये इससे में पानी बनी ऑक्सीजन है ये जो मैंने बनाया ये ऑक्सीजन है अब इसके साथ हाइड्रोजन तो बिनेस थ्योरी के मुताबिक तो सीधा सीधा ये हमारा टूपी है वैसे ऊपर लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन आपका दो हाइड्रोजन ने आना है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक उसका शेयर हो जाएगा तो एक बांध तो आपका ये बन गया एक वान आप बाड आपका पानी बन गया लेकिन यहां देख लिया हाँ बहुत बड़ा इश्यू है बहुत बड़ा इशू इसलिए है कि वी के मुताबिक इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है आपका ये परस्कर मैंने पी और पी को यूटिलाइज किया तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो क्या है 90 है। एंगल क्या है नाइंटी डिग्री अकॉर्डिंग टू वी ये सब मैं किसके में डाल रहा हूं वी बी टी कह रहा है कि पानी में जो दो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के साथ हो, आ, आ, के साथ हो, वन सॉरी नाइनटी एंगल पे होने चाहिए आपका ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को मैंने ब्लू से बनाया हुआ, बनाया हुआ है तो आप ऑक्सीजन ब्लू से बना ले और ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे को किस एंगल पे होने चाहिए नाइनटी एंगल पे होने चाहिए सही और ये जो इसके लॉन्ग पेयर है पी में ये भी इसको 90 एंगल पे होना चाहिए ये वाला ये तो ऑर्बिट्रेरी है आप किसी भी डायरेक्शन में उसको बना सकते हैं लेकिन सिर्फ इस पे फोकस कर ले हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये कितना होना चाहिए नाइनटी के बराबर होना चाहिए रियलिटी क्या है हकीकत में तो यह नाइनटी के बराबर नहीं है एन रियलिटी रियलिटी ये है कि जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी से मालूम किया कि पानी के दो हाइड्रोजन के बीच का एंगल क्या है तो वो टीटा तो हमें पता है क्या है आ, एक सौ चार अशारिया पांच डिग्री है जो कि बहुत बड़ा कंट्रोडिक्शन है नाइनटी और इसके बीच में सही है तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका एक कोई और एग्जाम्पल अमोनिया का देख ले वैसे मैं बताता हूं अमोनिया में आप देख ले तो नाइट्रोजन के पी में तीन इलेक्ट्रॉन है सब एक्स पी वाई और पी सेड में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन ने आके इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और सीधा सीधा तीन बॉन्ड्स बना लिए तो वहां भी एंगल कितना होना चाहिए नाइनटी अमोनिया एन थ्री तो अमोनिया के बारे में वीबीटी क्या कह रहे हैं कह रहे है कि हाइड्रोजन के बीच का जो टीटा है वो कितना डिग्री रियलिटी क्या है यहां पर से लिखते हैं मार के के लिए। तो रियलिटी क्या है रियलिटी ये है कि तीटा अमोनिया में एंगल एक सौ सात पांच डिग्री है सही है तो ये एक और कंट्रोडिक्शन आप इसी तरह एक और एग्जांपल में ले लेता हूं मीथेन का सही है तो मीथेन का जो एग्जाम्पल है इसमें वैसे ये दो मैच कर रहे थे तो मैंने एक को एक्सप्लेन किया वाले को शार्ट में लिखा ये वाला एक और लेते हैं एग्जाम्पल्पल ऑफ यहां से हाइब्रोटाइजेशन की तरफ हम बात बढ़ जाएंगे एग्जाम्पल ऑफ मीथेन लेते हैं सी एच फोर ठीक है इस पे जरा बात करते हैं अब कार्बन का आप देख ले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है छे इलेक्ट्रॉन है तो वन इज टू टू इज टू पी टू सही है। हाँ तो का कार्बन होता है, का ये टू कितने है? इसमें आ रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन है टू पी में कितने पी में आपने तीन बॉक्सेस बनाने होंगे क्योंकि इसके अंदर तीन ऑर्बिटल्स होते हैं दो इलेक्ट्रॉन है तो एक एक में आप रख ले अकॉर्डिंग टू हंड्स रूल इस तरह आप रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू वी अकॉर्डिंग टू वीबीटी अब वीबीटी जो है सिर्फ एंगल का इशू नहीं एक और इशू का सामना करना पड़ रहा है बहुत बुरा वक्त आने वाला है वीबीटी का क्योंकि यहां पर कार्बन ऐसे नहीं ऐसे नहीं है जिस तरह वीबीटी इसके बारे में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन कैन फॉर्म ओनली टू कोवेल्ट पॉइंट लग रहे हैं वीबीटी तो कह रहे हैं जितने हाफ पिल्डर बैठा होता ही पॉइंट बनेंगे तो, 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 तो हां लग रहे हैं फॉर्म ओनली टू बॉन्ड्स कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है कोवेलन बॉन्ड सिर्फ दो बॉन्ड्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये बात जब कार्बन को पता चली तो कार्बन ने बहुत बड़ा एहतियाज किया कैसे एहत किया कार्बन ने कहा कि भाई मेरे जितने भी कंपाउंड आप देख ले मेरे सब कंपाउंड में चार बॉन्ड्स बनाता हूं ये आप क्या कह रहे हैं मेरे बारे में सही है तो रियलिटी क्या है यहां पर आप देख ले रियलिटी ये है कार्बन की जो रियलिटी है वो ये है कि कार्बन मैक्स फोर कोवेल बॉन्ड्स अब ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कार्बन मैक्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है four covalent bonds बनाता है सही अब इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी काफी इसमें टाइम लगा कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि भाई कार्बन क्यों चार बॉन्ड्स बनाता है तो इस, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन इसको एक्सप्लेन किया गया बाय प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन साइंटिस्ट ने कहा कि यहां आपका जो टू एस है सही है ये टू ए और ये आपका टू पी है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है एनर्जी डिफरेंस है ये बहुत कम है तो किसी भी सूरत में ये एनर्जी मिल सकती है इसको ड्यूरिंग बाड फॉर्मेशन यानी जब रिएक्शन हो रहा होता है

ये बात कार्बन के बारे में तब हम कह सकते हैं इस तरह जब ये ग्राउंड स्टेट में हो लेकिन जब जब रिएक्शन कंडीशन हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उधर प्रोमोट हो सकता है ठीक है अब तक प्रोमोशन तो इसका ये वाला पिक्चर सामने आएगा फिर इसके पी में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तीन सही है और इलेक्ट्रॉन को आपने यू रखना होगा स्टेबिलिटी का ख्याल रखते हुए सही है ये अब एक्साइटेड स्टेट है तो मसला तो हल हो गया मसला हल हो गया भाई अब कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है नाउ कार्बन कैन साइंटिस्ट बड़े खुश हो गए नाउ कि हमने एक अजूबे को एक्सप्लेन किया नाउ कार्बन कैन मेक फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स और इसमें कोई शक नहीं है फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स अब ये बना सकता है कैसे यहां तो मैंने इसको गिर लिया इस तरह करते हैं दोबारा बनाते हैं अब कार्बन चार बांड बना सकता है कैसे हाँ सही है हाइड्रोजन ने आना है आ जाए भाई हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ने आके इधर इसके साथ जो है बनाया कवर ने आके इसके साथ आप देख ले तो मैं थोड़ा लेंथ में डिफरेंस रख रहा हूं ये भी एक इश्यू था सही है एक इधर एक इसने आके इसके साथ तो कोवेलेंट बाढ़ बनाया ठीक है चार हाइड्रोजन आ गए और आपका वाई मीथेन बन गया सही है लेकिन यहां आप सिर्फ पहले एंगल की बात करें जब एंगल को हम देखते हैं तो आपको पता है ये वाला तो आर्बिट्रेडी डायरेक्शन है किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ले सकते हैं थ्री में लेकिन ये वाले आपने कैसे रखने होंगे आपस का जो टीका है अकॉर्डिंग टू वी बी टी अकॉर्डिंग टू वी बी टी सही है वी बी टी के मुताबिक यहां का एंगल कितना होना चाहिए इसका और इसका और सब के बीच का जो तीटा है वो कितना होना चाहिए भाई एक्स वाई और जेड के बीच का एंगल कौन सा होता है नाइनटी डिग्री एंगल होते हैं एक दूसरे के रियलिटी क्या है रियलिटी रियलिटी डिफरेंट कि सी एच फोर में इन सी एच फोर एंगल क्या है सबको पता है इन रियलिटी जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने पता कर लिया तो रियलिटी ये है कि थीटा क्या है आ, में वो है एक सौ नौ पांच डिग्री सही है दो मसले हो गए था पानी में अमोनिया में, डिस्कस किया।, में, में, में डिस्कस किया ये वाला भी मसला इसके साथ चल रहा है सही है वीबीटी के साथ यहां एक थर्ड मसला थर्ड मसला ये है कि ठीक है चार बांध ये बना सकता है कार्बन अब चार बांध बना सकते है मसला तो हल हो गया मैंने कहा साइंटिस्ट खुश भी हो गए इस पर लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चला कि एंगल ये है और साथ साथ बांक की जब बात हम करते हैं तो बॉन्डलिंक मिथेन में आपको पता है मिथेन के चारों के चारों बास हाइड्रोजन के साथ एक ही लेंथ के हैं इस नियो के मुताबिक एक बाड को थोड़ा छोटा होना चाहिए क्योंकि वो इससे बना होगा इस न्यूक्लियस के करीब होता है सही है और ये तीन बांड जो है एक ही लेंथ के होने चाहिए मिथेन में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू वीबीटी एक तो ये बात हुई कि तीटा इतना होना चाहिए। अब ये बात भी हम वीबीटी के के का मसला था कि तो एक्सप्लेन किया लेकिन आ, बांड लिंक को एक्सप्लेन नहीं कर सके तो ये, ये, ये जरा ज्यादा होगी वीबीटी के साथ क्योंकि तो इधर अप हो गया कि भाई कार्बन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो इन लोगों पर एक और ऑब्जेक्शन आया ऑब्जेक्शन यह था कि ठीक है भाई चार बास तो आप लोगों ने बना लिए लेकिन मीथेन के चारों बास एक जैसे और आप लोगों के इस अप्रोच के मुताबिक एक बांध शॉर्ट होना चाहिए सही है तो रियलिटी में आप ये भी डाले कि मीथेन के चारों के चारो बास इस, किस इस तरह है एक ही लेंथ के बराबर है सही है ये आपका एक एच एच को अगर हम ग्रीन से बना ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा बाड्स भी ग्रीन से होने चाहिए थे लेकिन अब बने हुए हैं तो क्या करें एच एच और एच एक ही लेंथ का आप शो करें सही है बॉन्ड बाढ़ सबके क्या है एक ही लेंथ के हैं और ये आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बाद में और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं इसको आ, अपने ओरिजिनल अंदाज से एक्सप्लेन करूंगा तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और एंगल क्या है इसका यहां का यहां का एंगल ये है ये वाला जो एंगल है ठीक है तो ये भी एक मसला है ताकि चारों के चारों बाढ़ एक ही लेंथ के हैं यहां से साइंटिस्ट केमिस्ट्री uh, वाले इस बात पर मजबूर हो गए कि इस बात पे सोच लें कि आखिर क्या है ऐसा और यहां तो साथ साथ बॉन्ड तो लेंथ भी डिफरेंट है मतलब एक बॉन्ड को शॉर्ट होना चाहिए था तीन को एक जितना अब सारे, एक जितने हैं चारों के चार तो यहां पर साइंटिस्ट ने सोचा कि यहां पर कुछ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हुई है बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन यानी In little guys, hydrogen के आने से पहले ये ये जो मेरे में 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 किए इनका आपस में कुछ हुई है 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 जिसके नतीजे में ये शेप्स, इनके शेप्स होते हैं सही है? और में भी स्लाइट है, लेकिन डिफरेंस तो है और डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन के ऊपर वहां भी डिस्कस कर लेंगे इंटरमिक्स हो गए हैं सही है जिसके नतीजे में एक ही शेप और एक ही टाइप के एनर्जी के अरबेटाल बन बन गए हैं जिनको हम डी जनरेट कह सकते हैं और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया गया ठीक है तो यहां पर अब हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं तो नेक्स्ट हमारा है हिस्ट्री की तो हमने बात की अब हमारा काम है इसको डिफाइन करना तो यहां मैं लिख रहा हूं डिफीनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिफाइन करेंगे लिख लें हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन को

ये भी एक सवाल तो बनता है सही है याद रखिए अर्बेटाल जो होते हैं इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता यानी इनके कुछ कोई कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है ये सिर्फ एनर्जी एरियाज है जो हमने वेव्स को वेव्स uh, के सरफेस एरियाज को प्लाट करके निकाले हुए हैं तो हमारे अर्बेटाल है, ये कुछ भी नहीं है बल्कि वेव फंक्शंस है क्या है वेव फंक्शंस है जहां फाइंडिंग ऑफ चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है मैक्सिमम है तो ये अगर वेव्स हैं तो फिर वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं सही है तो हाउ का आंसर ये है ये वेव्स है ये ये दरअसल कोई खास फिजिकल चीजें नहीं है वेव्स हैं जो कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेवी मोशन एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो सकते हैं सा भी एस बना ले इस तरह स्पेरिकल शेप का है ठीक है और पी आपका डम्बल शेप होता है कैसे होता है डम्बल शेप तो पी में हमें पता है कि एक डम्बल अगर x पे पड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे पी एक्स कहेंगे इसी तरह अगर कोई डम्बल y एक्सिस पे पड़ा हुआ है तो इसको हम कहेंगे पी वाई और एक डम्बल इसका p z पे है सही है तो इसको हम कहेंगे p z ये आपका S है और ये आपका पूरा T है अब इसके वेव ने इसके वेव के ऊपर आना है सही है इसको हम मिक्सिंग कहते हैं तो ये जब मिक्स आप करोगे इसको आप कुछ यू बना लें इसको ग्रीन से बना ले वैसे इसको आप ग्रीन से बना ले यू सही है ये आपका एस है अब इसको इसके ऊपर आप लेकर आए तो ये इसके साथ क्या हुआ मिक्सअप हो गया अब इस, इसका पार्ट जो है आप पी के साथ यहां हम ये शो कर रहे हैं वैसे ये वाला जो टाइप है ये मैं शो कर रहा हूं लेकिन ये बाद में चीजें क्लियर हो जाएगी आसानी से जनरली आप सोच लें इसके बारे में इसका अगर आप देख लें तो इसके जो लूप्स हैं उसकी इसके ऊपर जो पी पी का है ये आ गया ठीक है तो ये तो हैं, तो वेव्स इसके इसका इसकी एनर्जी कम थी और इसकी एनर्जी ज्यादा है अब एनर्जी भी मिक्सअप हुई और साथ साथ इसके शेप को देख ले और इसके शेप को देख ले इनके शेप्स भी आपस में मिक्सअप हो गए तो ये इसका जो एक्सट्रेक्टेड शेप होता है वो इसमें पी का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कुछ यू कम कर ले, सही है? और जो दूसरा इसका लो उसके ऊपर क्या आया आ, उसमें पी का शामिल है, लेकिन इसने इसको बढ़ाया इसनेरबेटाल क्या -क्या? तो कितने मिल गए लेट्स तो मैंने यहां शुरू किए तीन ये और एक इसका मिला तो ये वैसे कहलाता है बाद में टाइप्स में इसको एक्सप्लेन कर लेंगे लेकिन यहां पर तीन मिल गए तो तीन नए बनने चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स ये है कि जितने ऑर्बिटल्स मिक्स अप हो जाते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे सही है तो तीन एस के और एक एस का यानी तीन पी के और एक एस का तो इससे चार जो है फोर नए ऑर्बिटल्स बनेंगे लेकिन इनका शेप कैसे होगा इसी तरह शेप होगा सही है ये न्यू शेप है यहां भाई न्यू शेप न्यू एनर्जी सही और साथ साथ न्यू नेम भी इसको मैं एस इस कहता था इसको पी कहता था अब इनका इसके नाम में एस का भी नाम आएगा और पी का भी नाम आएगा तो नाम भी नया होगा सारी चीजें हो गई सही है है तो बस यही होता है कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए यानी क्या हुआ दरअसल वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए जिसके नतीजे में न्यू शेप्स न्यू एनर्जी और न्यू नेम से न्यू नेम वाले

मैं बताने वाला हूं आप लोगों को वाई हाइब्रिडाइजेशन आकर सही है तो याद रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ स्टेबलाइजेशन प्रोसेस और दुनिया का हर सिस्टम चाहता है कि खुद को किस तरफ ले जाए टूवर्ड स्टेबिलिटी तो यहाँ एक सेंटेंस लिख लें हाइब्रिडाइजेशन इज स्टेबलाइजेशन ये बड़ा प्यारा सेंटेंस बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इज स्टेबलाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन कैसे stabilization है मैं बताने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होती है कि इसमें एटम का फायदा है वो खुद को इस फिन के थ्रू जो है स्टेबलाइज कर देता है तो हाइब्रिडाइजेशन इज स्टेबलाइजेशन कैसे आप देख लें एच टू में एच टू का आप एग्जाम्पल लेब्रोडाइजेशन ले, है अमोनिया में हाइब्रोडाइजेशन है सही है आपने मीथेन का एग्जाम्पल लिया इसमें हाइब्रिडाइजेशन है यहां एंगल कितना होना चाहिए VBT के मुताबिक आपका एंगल VBT के रहे के थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री यहां भी 90 डिग्री यहां भी 90 रियलिटी ये है रियलिटी ये है रियलिटी ये है कि आप यहां आपका एंगल क्या है 104 है यहां एक सौ सात अशरिया और यहां एक सौ नौ अशरिया पांच हकीकत तो ये है डिग्रीज में है ये ये ये, ये जो बॉन्ड एंगल है ये आपको कौन एक्सप्लेन करेगा कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये पॉसिबल है कि ये वाले एंगल्स आपको मिल जाए सही है तो पानी अगर इतना स्टेबल है तो इसने ऐसे बाड नहीं बनाए हुए हैं कि इसका जो, जो, जो मैंने देखा है आप लोगों को और या अमोनिया के केस में या फिर मीथेन के केस में तो वीबीटी के मुताबिक इन्होंने बांड नहीं बनाए हुए इन्होंने जो बाड्स बनाए हुए हैं एक और कॉन्सेप्ट के मुताबिक बनाए हुए हैं और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है वो जो हमने बताया मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनको चांस मिल सकता है कि इनके ये वाले एंगल्स बन जाए कैसे हाँ हाइब्रोडाइजेशन क्या चीज है

जब मिक्सिंग हुई है तो ये अर्बेटॉल खुद को रीअरेंज कर रहे हैं रीअरेंज ऐसे करेंगे कि एक दूसरे से दूर भाग चार परस्करे बन गए हाइब्रिडाइजेशन है जो शो हैं वैसे बाद में एस पी थ्री के अंदर एक्सप्लेन करूंगा अब ये हाइड्रोजन नहीं आए हुए हाइड्रोजन के आने से पहले की बात है चार बन गए। अब ये चार हाइब्रिड अर्बेटाल अब पुराने वाले एंगल्स पे नहीं है जो एक्स वाई और जेड के बीच के एंगल्स थे वाले अब इनको चांस मिला कि खुद को रीअरेंज करे कैसे रीअरेंज करे इनकी मर्जी है ये खुद को ऐसे रीअरेंज करेंगे ताकि एटम की एनर्जी को मिनिमाइज कर सके सही है तो इन्होंने खुद को ऐसे अरेंज किया टेट्राहेड्रली अरेंज किया ये एक sp3 तो ये दूसरा sp3 ये तीसरा और ये आपका चौथा sp3 सही है मैं सही बना लूं वैसे यू तो ये आपके टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के मुताबिक हो अब इनके बीच मैक्सिमम डिस्टेंस है और मिनिमम रिपल्शन है तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद एटम पर जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है वो ड्रॉप हो जाती है सही है किस किस लिए क्योंकि ऑर्बिटल्स को अब चांस मिला कि खुद को ऐसे रीअरेंज कर सके ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन पर आ जाए तो वाई हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज क्लियर तो तो वाई का भी आंसर मिल गया अब विन की बात कर रहे हैं तो विन का आंसर यहाँ पे वैसे है आप लोगों को मिला होगा आंसर जाहिर सी बात है वाई में हमें पता चला वाई में तो हमें पता चला कि हाइबर्डाइजेशन किस लिए होती है वाई स्टेबलाइजेशन के लिए होती है तो विन का भी आंसर आपको अभी आना चाहिए कि जब स्टेबलाइजेशन हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी जब स्टेबलाइजेशन हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी सही है लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से स्टेबलाइजेशन ना हो हाँ हो सकता है कुछ एटम्स पर ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो फिर वह हम कहते हैं कि भाई यहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है क्योंकि मिक्सिंग के बाद उसने वैसा ही होना था ऐसे एस ऐसे एग्जाम्पल्स है मैं दे रहा हूं आप लोगों को आ, जैसे अगर मिक्सअप इनकी ना हुई हो का ठीक है तो व्हेन तो इसका आंसर आपको आना चाहिए अब हाइब्रिडाइजेशन कब होगी कब नहीं होगी इस पर बात करते हैं सही है स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है व्हेन देयर इज स्टेबलाइजेशन ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन जब हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबलाइजेशन मिल रही हो देयर इज स्टेबलाइजेशन ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन द एटम विल नॉट मिस द चांस द एटम विल नॉट मिस दिस चांस मतलब ये है कि एटम को अगर पता चले कि हाइब्रिडाइजेशन से उसको स्टेबिलिटी मिलती है एटम विल नॉट मिस दिस चांस एटम जरूर खुद को हाइबाइज करेगा अपने बेटाल मिक्सअप करेगा बट इफ दियर क्योंकि बट इफ देर इज नो स्टेबिलिटी नो नेट स्टेबिलिटी लिख लें ये बड़ा अच्छा रहेगा बट इफ दियर इज नो कुछ खास फायदा ना हो बट इफ दियर इज नो नेट स्टेबिलिटी

सेंट्रल एटम का कोई हाइब्रिडाइजेशन ना हो ड्रेगो कंपाउंड कहते हैं क्या कहते हैं ड्रेगोस कंपाउंड्स। सच कंपाउंड्स, इन विच सेंट्रल एटम डज नॉट डू हाइब्रिडाइजेशन आर कार्ड, ड्रेगोस कंपाउंड डी आर ए जी ओ एस कंपाउंड सही साइंटिस्ट का नाम है वैसे इसने कुछ रूल्स बनाए हुए ड्रेगोस कंपाउंड के कौन से कंपाउंड होंगे मैं ड्रेगोस रूल्स पे नहीं जा रहा शार्ट आपको बता रहा हूं कि जिन कंपाउंड में सेंट्रल एटम ने हाइब्रिडाइजेशन ना की हो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं ड्रेगोस कंपाउंड्स कहते हैं इस पर अलग कोई क्लास लेंगे ड्रेगोस रूल क्या है आ, कब नहीं होती है हाइब्रिडाइजेशन लेकिन इसका भी मैं समराइज करके कुछ यहाँ बताऊंगा आपको एग्जाम्पल्स जब करूंगा इस तरह के एग्जाम्पल्स से बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा वैसे ड्रेगोस रूल्स जो है ये डिटेल में मैं किसी क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि ड्रेगोस कंपाउंड्स कौन से हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे सामने और किस रूल्स को देख के हम कहते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है लेकिन ये यहां से भी क्लियर हो जाएगा वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको हाइब्रिडाइजेशन हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर ऑक्सीजन से नीचे होता है मतलब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं लेकिन ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलके पानी बनाता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है ऑक्सीजन के ऊपर लेकिन यहां सल्फर पर, पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है क्यों नहीं है ये बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा अब हाइबाइजेशन सल्फर नहीं करता और यह हमें कहा से पता चला एंगल से पता चला क्योंकि पर जो एंगल है आपका ये सल्फर है सही है। यहां पर ये थीटा लिख लें वैसे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है थीटा यहां पर कुछ नियरली इक्वल नाइनटी टू है तो नियरली इक्वल नाइनटी के बराबर होता है सही है ये इस बात की दलालत करता है कि सल्फर ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किए अगर इसने हाइब्रिडाइजेशन की होती तो ये अपने हाइड्रोजन को ऐसे रखता है तो इसका यही मतलब हुआ कि इसने सीधा सीधा अपने पी को डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में इस्तेमाल किया हुआ है मिक्सिंग विक्सिंग कुछ नहीं किए है क्यों नहीं किए सल्फर का साइज बड़ा होता है सही है यहां आप देख ले वैसे सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बना में पूरा नहीं बना रहा इसके थ्री एस में जनरल बना रहा हूं वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कर रहा हूं किसका आपका सल्फर का तो इसके थ्री एस में दो इलेक्ट्रॉन है सही है और थ्री पी में कितने इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह लेकिन ये जो एक शिल नीचे है एक एक बॉक्स नीचे है पीरियडिक टेबल में तो इसका तड़ वाला शिल चल रहा है पीरियड तड़ का एलिमेंट है और वो पीरियड सेकंड का है इसलिए उसका टू एस और टू पी आखिर शिल था ये तो सारी बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए तो इसको आप देख लें इसने अब ऑक्सीजन की तरह का, का काम नहीं किया हुआ है इसने ऐसा किया है कि इसके ये वाले और ये वाले इसने सीधा 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 जो है ये और ये हाइड्रोजन के साथ मिलाए हैं इसके ये वाले जो है हाइड्रोजन और आपका हाइड्रोजन नो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नो no हाइब्रिडाइजेशन हुई है कोई हाइब्रिडाइजेशन यहां पे नहीं हुई है क्यों क्योंकि एक तो ये है कि एस और पी के बीच का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है सही है ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको ताकि एस और पी को आपस में क्या करे ओवरलैप करें एक तो ये एक रीजन लोग बताते हैं वैसे ये रीजन है इसका दूसरा ये दूसरा ये के टेक्निकल रीजन वैसे ये है सल्फर बड़ा है ऑक्सीजन से सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है तो एंगल वही रहे लेकिन हाइड्रोजन दूर होंगे एक दूसरे से सही है उसी एंगल पे होंगे लेकिन ये एंगल अगर मैं ऑक्सीजन में दे देता दे यहाँ आ, इसको आप समझें ये छोटा ये जो मेरा हाथ है ये सपोज ऑक्सीजन है इस पे अगर मैं दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर रखता तो ये क्या होते एक दूसरे के करीब होते एंगल तो 90 है लेकिन एक दूसरे के करीब होते जिसकी वजह हो से वाटर मालिकूल का जो आ, इन इनकी बीच का रिपल्जन है उसकी वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और वाटर मालिकूल अनस्टेबल रहता तो इसलिए उसने हाइब्रिडाइज करके उसके बाद जो है जाके हाइड्रोजन से बांध बनाए तो उसने अपने अरबेटालस को वन ओ नाइन पे रखे सल पर कह रहे हैं कि मुझे इसकी जरूरत हो नहीं है मैं बहुत बड़ा हूं मेरा साइज क्या है बड़ा है ये दोनों मेरे हाथ रख लें सही है यू करके बड़ा होता है तो इसके साथ अब बना लें लें एंगल एंगल वही वही रख वाला यू करके सही है एंगल वही है लेकिन ले, हाइड्रोजन काफी दूर है एक दूसरे से तो इन हाइड्रोजन के बीच का जो रिपल्शन है वो ऑलमोस्ट न ले बहुत कम है सही है जिसकी वजह से सल्पर कह रहे कि आई डोंट नीड एनी हाइब्रिडाइजेशन ऊपर अगर आप हाइड्रोजन लगा भी लें तो मैं इतना बड़ा हूं कि एक दूसरे को देख भी नहीं सकेंगे सही है एंगल वही होगा 90 वाला या 90 के, 90 के करीब वाला लेकिन रिपल्जन में अपने साइज की वजह से इनकी बीच का जो रिपल्जन है उसको मैं मिनिमाइज रख सकता इज वाई हाइड्रोजन सॉरी सल्फर डोंट वॉन्ट टू बॉदर इट सेल्फ इन हाइब्रोडाइजेशन सही है तो इस तरह के मालिकूल्स को हम क्या कहते हैं ड्रेगोस कंपाउंड्स कहते हैं इसके और भी बहुत सारे रूल्स हैं उसको देख के आप जनरली बहुत सारे अगर आपको किसी ने रखे हुए हैं सामने तो उन रूल्स को देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हुई है या नहीं हुई है लेकिन ये जो मैंने सिंपल वर्ड में आपको बता दिया कि साइज का भी बड़ा अच्छा खासा इस पे रोल होता है और ये वाला जो पेयर है ये पेयर अगर एनट रहे इसको एनट पैर इफेक्ट कहते हैं क्या कहते हैं एनट पेर इफेक्ट ये अगर किसी काम में काम ना रख के तो फिर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी सही है जिस तरह आप यहाँ पे देख तो एक मैंने दे दिया वैसे इस पर अलग में कोई क्लास ले लूंगा रखूंगा डिटेल में कि ड्रेगोस कंपाउंड्स कौन से हैं और आ, कौन से हैं तो तो का तो पता है। चला वो कंपाउंड जहां पर सेंट्रल एटम जहां जिन में सेंट्रल एटम पर कोई हाइबर्डाइजेशन नहीं होती है इस तरह के कंपाउंड्स को हम ड्रेगो ड्रेगोस कंपाउंड्स कहते हैं जैसे आपका एच टू एस हो गया एक और एग्जांपल इधर लिख रहा हूं ये आप लोगों का असाइनमेंट हो गया ये है पी एच थ्री सही है यह एक और एग्जाम्पल है एनदर एग्जांपल एग्जाम्पल इसमें भी एनदर एग्जांपल एग्जाम्पल ऑफ ड्रेगोस कंपाउंड यहां भी नो हाइब्रिडाइजेशन कोई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पासपोर्स पे नहीं हुई है ठीक है तो ये दो एग्जाम्पल आपके उसके तो विन का ये है कि जब फायदा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी जब फायदा नहीं होगा यानी स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी नहीं आई नहीं आई होगी या नहीं आती किस चीज की वजह से हाइब्रिडाइजेशन की वजह से तो फिर एटम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा लेकिन जब एटम को पता चले कि हाइब्रिडाइजेशन से मुझे स्टेबिलिटी मिलती है आगे कंपाउंड बनाने में तो एटम विल नॉट मिस चांस इट विल अप इट्स ऑर्बिटल्स एंड वी से हाइब्रिडाइज्ड ठीक है थीके? अच्छा जी तो हिस्ट्री डिफिनिशन हाउ व्हाई व्हेन इन सब की बातें हमने की हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से अब आते हैं इसके टाइप्स पर कि इसके कितने टाइप्स हैं और हर एक टाइप का क्या मतलब होता है